हेलो गाइस, हाउ आर यू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल योर पल्सर लवर CG2444। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू एडजस्ट अ मिक्सचर स्क्रू एंड आइडलिंग ऑफ योर कार्बोरेटर। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑफ दैट मिक्सचर स्क्रू एंड आइडलिंग द स्कूटर एपिम। आज हम बात करना चाहेंगे मिक्सचर स्क्रू की एक्चुअल कसना कितना है, कितना उसको बाहर खोलना है और आइडिंग कैसे एडजस्ट करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम को बिना बर्बाद किए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसे कैसे खोला जाए। लाइक आप पहले देख सकते हैं, मैंने ये 1, 2, 3 बोल्ट खोल चुका हूँ। तो अब इसे हुड को उठाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको बोल्ट कैसे कौन से वाले थे। तो फ्रेंड्स, ये 3 बोल्ट थे, छोटा वाला यहाँ पर लगता है और बड़ा वाला यहाँ पे लगता है। हेयर 2 बोल्ट्स 2 लॉन्ग बोल्ट्स हेयर एंड हेयर एंड स्मॉल वन वाज देयर। सो लेट्स कीप इट सेफ लाइक देयर। सॉरी, क्या है, सेफ देयर, ओके। एंड देन क्लोज द शटर हुड, लिफ्ट इट अप एंड दैट स्टिक यू सी, यू होल्ड इट, आई विल बैक। So we have lifted our hood. You see the carburetor clearly. Have you see that screw, small one? That this one was wait. That spring one was idling screw, and this one was mixture screw. Company said that you have to take out that mixture screw out 1.5 turn. Company ने कहना है कि ये screw को डेढ़ चूड़ी बाहर निकालना है। सो आपको ये दिखाने के लिए मैं दिखाऊंगा कि कितना चूड़ी बाहर निकालता है इसको, हाउ मच वी हैव टू टेक आउट। फॉर दैट वी हैव टू यूज मार्कर पेन। सो दिस केबल इज़ डिस्टर्बिंग अलॉट, सो आई हैव टू रिमूव दैट चोक केबल। वेट फॉर द मिनट गाइस, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने आपको बताना भूल गया। आई फॉरगेट यू टेल यू दैट टूल्स रिक्वायर दैट फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर वन, लॉन्ग वन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्क्रूज एंड दैट फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर फॉर ओपनिंग दैट चोक वायर। सो वी आर गोइंग टू ओपन द चोक वायर फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू इजिली। देयर यू हैव टू लूज दैट नट, सो लूजन दैट नट, टेक द चोक वायर ईजली फ्रॉम द कार्बोरेटर, सी, कीप इट सेफ। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ मार्क साइन ऑन दैट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ मच थ्रेड वी हैव टू टेक आउट, मतलब कितनी चूड़ियाँ बाहर निकलें, इसलिए मैं मार्किंग पाना चाहूँगा। तो मैं मार्कर लेके आता हूँ अभी। सो गाइज, आई ब्रॉट दैट फोटो पेन मार्कर टू मार्क दैट मिक्सचर स्क्रू। मेरी एडवाइस ये है, माई एडवाइस दैट यू शुड नॉट डिस्टर्ब दैट मिक्सचर स्क्रू, दैट शुड बी फैक्ट्री सेटेड। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर स्क्रू को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, ये फैक्ट्री फिटेड होता है। क्योंकि आपको पता है कार्बोरेटर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब समझ से बाहर ही होता है, हर किसी बंदे के समझ नहीं आता। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मिक्सचर स्क्रू को डिस्टर्ब कर दिया गलती से। सो आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन मिक्सचर स्क्रू, द पीपल हु हैव डिस्टर्ब इट। So first we are going to make a mark on it. So we have mark. दिख नहीं रहा। I will back after making mark. So guys, I have make a mark on it. That mixture screw. Wait. You can see that mark. Hope so it was not clear to you. So it was shining so much, you can see the mark with that I can't see the camera, that mark on that mixture screw. Anyway, if you can't see that mark, I will take you far away so can it will clear to you. Wait for a minute. There, you can see the mark of that marker on mixture screw. So I'm going to rotate that turns
लेट्स काउंट द टर्न्स, मतलब काउंट करें हम कितनी टर्न है इसकी, कितनी बार मुड़ा है। ये बहुत मुश्किल काम है यार। सो हाफ टर्न एंड फुल वन टर्न कंप्लीट अप टू द मार्क एंड वन मोर टर्न, हाफ टू, ओके वी आर नाउ एट टू टर्न्स, यू सी दैट मार्क, देर इज दैट मार्क, यू कैन सी बिकॉज देर इज टू मच फ्लैश लाइट। सो कंपनी सेड दैट दे हैव ट्विस्टेड आउट वन एंड ए हाफ टर्न, दे आर रॉन्ग, आई हैव काउंटेड दैट दे हैव टुक टू टर्न्स आउट एंड आफ्टर स्क्रूइंग फुल इन, एक मिनट वेट करो। सो आई फुली स्क्रू इन दैट मिक्सचर स्क्रू, यार एक स्पेस बहुत कम है अभी, यू कैन सी इट वॉज डिफिकल्ट टू डू अ जॉब, दैट वॉज अ मिक्सचर स्क्रू, ओके। सो द कंपनी सेड दैट दे हैव आई हैव फुली स्क्रू इन, सो आई हैव फुली स्क्रू इन, बहुत कम जगह इंजन में जाकर मैं एक काम कर सकता हूँ, वेट आई विल शो यू क्लियरली, समथिंग केम इन द वे, सो दैट मिक्सचर स्क्रू शुड बी ओपन, वेट आई हैव टू टेक लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर, व्हाट द हेल इज दिस यार। सो गाइस आई टू टेक आउट द ब्रैकेट फ्रॉम दैट असेंबली ऑफ दैट चोक वायर, यू कैन सी दिस नट, दिस इज असेंबल दैट चोक वायर, सो आई डिसअसेंबल इट टू शो यू क्लियरली, सॉरी फॉर दैट, यू कैन सी नाउ क्लियरली, ओके। सो वेयर वी आर, वेयर आर वी आर इज दैट, हम कहाँ पे थे, हमने इसको पूरा टर्न कर लिया, ठीक है। कंपनी का कहना था इसको डेढ़ चूड़ी बाहर निकाला, बट वो गलत है, इसे दो चूड़ी बाहर निकालना है, आई विल शो यू, ये हाफ वन टर्न कंप्लीट, वन रोटेशन कंप्लीट, ओके, देन वन एंड ए हाफ एंड टू, सो यू कैन सी दिस मार्क अ ब्लैक वन क्लियरली, आई हैव मार्क मेक अ मार्क ऑन इट विद ब्लैक मार्कर, सो दैट आई शुड नॉट मेक मिस्टेक इन काउंटिंग ट्विस्टिंग दैट नट बैक, सो आई यू आप समझ सकते हैं कि मैं काउंटिंग मिस ना कर दूँ, सो दैट आई शुड नॉट मिस माई काउंटिंग। ओ माई गॉड लाइट्स गॉन, यू कैन सी ब्लैक आउट, वेरी बैड थिंग, ओके फॉरगेट इट। So this is the actual reading of your carburetor mixture screw, those who disturb it, I will show you once again, this is the factory setting, 1, 2, fully screw in and twist it out two turns, half one and a half and two, so we have to mark, you can see clearly that mark, this is the actual setting, factory setting of the carburetor of Honda Activa mixture screw, those who disturb it make it clear like this, that spring nut was called idling screw, जिन लोगों का डिस्टर्ब हो चुके mixture screw, वो उनके लिए ये वीडियो है, मतलब कि पूरा स्क्रू करने के बाद इससे दो चुड़ी बाहर निकला, दो टर्न बाहर निकला पूरा मार्किंग करके, ताकि आपकी रीडिंग गलत ना हो। सो ये आपका आइडलिंग स्क्रू है, सो मैं आपको एक्टिवा चला के दिखाता हूँ, ठीक है।
इस एक्टिवा में आइडलिंग की प्रॉब्लम है, इसकी रेस बहुत कम है। सो आई एडजस्ट द आइडलिंग इंडिकेटर ऑन। सो आई एम डूइंग जॉब एट नाइट, सो विदाउट मेकिंग एनी नॉइस ऑफ सेल्फ आई किक स्टार्ट। आइडलिंग तो ठीक है, दोस्तों देख लो आइडलिंग की इतनी आवाज होती है। तो आइडलिंग के लिए ये स्क्रू होता है आपका स्क्रीनर स्क्रू। इससे घुमाओ आइडलिंग की मिलेगी, साउंड जज द हाउ मच आइडिंग रिक्वायर। इससे एंटी क्लॉक में आएगा तो आइडिंग कम हो जाएगी लाइक दिस। वेट, बट टिकिंग की नॉइज़ आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए आइडिंग ऐसे, जैसे प्लेस की टिकिंग नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, ये सेकेंडरी या फिल्टर की नॉइज़ होती है। दिस इज आइडलिंग स्क्रू, ये आइडलिंग स्क्रू होता है, मिक्सर स्क्रू होता है, मार्बल एक्सप्रेस लगभग ये दो चुड़ी बार निकाल होता है। आई विल अगेन स्टार्ट इट। अगर आपको आइडलिंग के बारे में पता नहीं लगता है तो आइडलिंग प्रॉपर एडजस्ट करनी है, आपको हेडलाइट जगा के ही आइडलिंग एडजस्ट करनी होती है, उससे एक्चुअल आइडलिंग पता लगती है कितनी है। और आइडलिंग की आवाज़ भी इतनी होनी चाहिए, आरपीएम इतना ही होना चाहिए, इसमें टैकोमीटर तो नहीं होता, तो आरपीएम ऐसे ही पता लगेगी, आप आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि आइडलिंग सही है। और अगर इंजन से टिकिंग 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 की आवाज़ सुनोगे, वो आपके इंजन की आवाज़ नहीं है, वो सेकेंडरी एयर फिल्टर की आवाज़ है। दैट वॉज सेकेंडरी एयर फिल्टर नॉइस विच वर्क दैट वॉज सेकेंडरी पम्प रिकॉल। और फ्यूल कैसे जाता है इसमें बाद में बताऊँगा आपको। जो इंजन में फ्यूल जाता है, द फ्यूल गो इन इंजन दैट सक एयर, देन द पेट्रोल ट्री वर्क एंड देन इट सप्लाई फ्यूल टू दैट कार्बोरेटर। दिस इज यू कैन सी दिस वन इज पाइप इज कॉल्ड एयर सक्शन पाइप दैट सक द एयर एंड द पेट्रोल ट्री रीज दैट पेट्रोल एंड देन इट रिलीज पेट्रोल टू एयर। मतलब ये कहने का कि ये सक्शन पाइप होती है, इसके साथ जो लगी होती है सक्शन पाइप, वो सक्शन क्रिएट करती है पेट्रोल टी पे, और पेट्रोल टी से पेट्रोल भी होता है कार्बोरेटर पे। सो ये होता है आपका सारा कार्बोरेटर का सिस्टम। मिक्सचर स्क्रू की दो चुड़ी बार निकालनी है, और आइडलिंग आप देख ही सकते हैं अनइवन हो रही है थोड़ी, इंजन साफ करने वाला हो गया आपको बताइए। और इतनी आवाज़ होनी चाहिए आइडलिंग की, ये स्प्रिंग वाला स्प्रिंग दैट स्प्रिंग वन नट इज कॉल्ड आइडलिंग स्क्रू एंड दिस वन इज कॉल्ड मिक्सचर स्क्रू। सो आई शट डाउन इंजन। सो गाइज आई हैव अ पावर कट from you can see the lights gone, that inverter was working. So guys, hope you like this video and it is knowledgeable for you, the people who disturb that mixture nut and idling problem. To dosto ye aapko video pasand aayi hogi, jin logon ne galti se bhi petrol mixture screw ko disturb kar diya, hope you like this video. Aapko pasand aayi like aur share kare jinko ye problem aa rahi hai, aur carburetor ki एक्चुअल रीडिंग यही होती है, टू दो चूड़ी बार खींचना टू टर्न आउट दैट स्क्रू। आपने देखा होगा वीडियो में मिक्सचर स्क्रू को दो चूड़ी बार निकालना मार्क करने में, क्योंकि क्या होता है कई बार गलती लग जाती है बंदे को, एक कई बार वो एक या डेढ़ या दो चूड़ी को मारता है उसको पता ही नहीं लगता। सो यूज़ मार्कर फॉर ट्विस्टिंग आउट दैट स्क्रू।
So this, hope this video is knowledgeable for you. I make this video in Hindi English mix because some of my Caribbean people, South Indian, face problem in understanding Hindi. और कुछ लोगों के लिए जिनको इंग्लिश पर समझ नहीं आती वो उनके लिए हिंदी में थोड़ा डब की हुई है. आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को. थोड़ा नर्वसनेस होती है वीडियो बनाने पे. सो गाइस, वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं. और हाँ, ये चीज़ वापस बंद कर देना. ये स्क्रू इसके नीचे लगता है. सो यू हैव टू पुट ऑल थिंग बैक. Okay, that choke wire and that bracket. So this bracket should be adjust and that wire should be put back to the choke. I will be back after adjusting all this without wasting any time. So friends, I have put all thing back to the carburetor, that choke wire, bracket bolt, and you can see the clear picture of that carburetor mixture screw and idling. So I hope this video is helpful for those people who disturb that mixture screw. आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, हेल्पफुल होगी जिन लोगों ने मिक्सचर स्क्रू को डिस्टर्ब कर दिया है. हाँ, एक एडवाइस देना चाहूँगा आप लोगों को, कभी भी मिक्सचर स्क्रू को डिस्टर्ब नहीं करते बिकॉज फैक्ट्री एडजस्टेड आता है. यू शुड नॉट डिस्टर्ब इट बिकॉज इट वॉज फैक्ट्री एडजस्टेड. सो द पर्सन हु रॉन्गली डिस्टर्ब दैट मिक्सचर स्क्रू, दिस वीडियो इज़ फॉर दैट पर्सन. ये उस बंदे के लिए जिसने मिक्सचर स्क्रू को डिस्टर्ब कर दिया. और हाँ, आइडलिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से गाड़ी स्टार्ट करने के बाद. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एडवांस थैंक्स टू माई 1000 सब्सक्राइबर. आई एम गोइंग टू टच 1000 सब्सक्राइबर. मैं 1000 सब्सक्राइबर छूने जा रहा हूँ. ये आपका ही प्यार है, आपका ही दोस्तों का सहारा है जिसके घर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर बना चुका हूँ. मैनी मैन थैंक यू फॉर दोज 1000 सब्सक्राइबर. आई लव यू ऑल. यू अप्रिशिएट माई एवरीथिंग. You motivate me to make all the videos regarding Activa maintenance. I apologize, मतलब मुझे माफ़ करना, अब तक ये ब्रेक एडजस्टमेंट का टाइम आया नहीं है. जल्दी इस पर भी वीडियो बनाऊँगा ब्रेक एडजस्टमेंट पे और ब्रेक शू रिप्लेसमेंट पे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर एडवांस इन एडवांस 1000 सब्सक्राइबर. होप यू लाइक दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके बाय गाइज. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट पावर कट. Okay, guys, see you again, your Pulsar CG2444.